ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यूं तो मेरे पास असंख्य मंत्र हैं, जो कि अपने भीतर एक विशिष्ट योग्यता लेकर बैठे हुए हैं, किंतु कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे हृदय के किसी ऐसे कोने में रहते हैं जो कि जब भी मैं सोचता हूं तो बस वही मंत्र सामने आ जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 मोहिनी मंत्र दिए थे और काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी उनके जो है प्रश्न उत्तर आए हैं, तो उनकी कोशिश मैं कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 1.5 लाख प्रश्न उत्तर आ गए हैं और उसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ऐसा कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कम से कम मुझे 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, 1 हफ्ता या फिर 1 महीना, इतने में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप शीघ्रता से किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बहुत प्राचीन विद्याएं हैं, गूढ़ विद्याएं हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसे सर्जन भी हुए हैं जो कि नाड़ी पकड़कर ही जो रोगी है उसकी चिकित्सा कर देते थे कि उनको ये रोग है, ये मर्ज आपको है, आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। और आज के युग में ये सोच पाना, ये समझ पाना बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार हर कोई जो है इस मंत्र को नहीं कर पाएगा, और इसको कोई भी कर सकता है जिसमें कि पूर्ण श्रद्धा होगी, उसके लिए ये मंत्र बहुत ही अचूक काम करेगा। बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि गुरुजी एक ही दिन में मेरा काम बन गया, तो ऐसा सुनकर मुझे भी अच्छा लगता है। और कई लोग निराश होते हैं, मंत्रों की शक्ति पर जो है वो विश्वास नहीं करते, और फिर जो है टूटे मन से, अधूरे मन से जो है इस प्रयोग को करते हैं, तो वहाँ पर जो है नतीजे जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। सबसे पहले यदि आप इस मार्ग में चल रहे हैं तो सबसे पहले विश्वास करना सीखिए। चाहे आप कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, कोई भी आपका उम्र का कोई भी वर्ग हो, आपको बस थोड़ा सा विश्वास करना है, क्योंकि मंत्रों में ईंधन का काम विश्वास करता है। चाहे आपको कुछ ना आता हो, लेकिन फिर भी यदि आप विश्वास करते हैं तो कई बार भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो साधना होती है वो सफल हो जाती है। अतसत परिश्रम करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हो। यदि आप चंदन को भी घिसते रहेंगे, लगातार घिसिए उसको, तो अब एक समय ऐसा आएगा कि उसमें ना अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार मंत्रों का भी होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो गुरुवर थे वो कोई एक मंत्र देते थे राजा को, और राजा अपना सारा राजपाट छोड़कर उस एक छोटे से मंत्र को लेकर वन में चला जाता था। उसे अपने गुरु पर इतना विश्वास होता था कि अपना राजपाट छोड़कर वो वन में भटकने निकल जाता था। सोचिए किस तरह की श्रद्धा रही होगी, किस तरह की मेंटालिटी रही होगी, और किस तरह के गुरु रहे होंगे। तो आज के युग में उस तरह के गुरु पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ 1% या 2% ऐसे भी गुरु हैं जो कि वास्तविकता में उन शक्तियों को समाहित किए हुए हैं आज भी। अंग्रेज सोचते हैं कि तक्षशिला नालंदा को जलाने से उन्होंने जो हमारा विस्तृत ज्ञान था वो नष्ट कर दिया है, लेकिन जो हमने कंठस्थ कर रखा था, जो हमने किसी को बताया ही नहीं, उसे वो कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो आज भी गुरु शिष्य परंपरा से कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र, इन सब का आदान प्रदान हो रहा है, जो कि गुप्त हैं, जो कि ऐसे ही राह चलते किसी को नहीं बताए जाते। लेकिन इस विद्या का प्रसार करने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं ये तंत्र मंत्र यंत्र आपको बताता रहता हूँ। और न जाने कितने ऐसे मंत्र थे जो कि किसी को भी बताने की मनाही थी, लेकिन फिर भी भाववश वो जो मंत्र यंत्र थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उनमें से ही कुछ ऐसे भी मंत्र थे जो कि सटीक काम करते हैं, और वो आप सब जानते हैं कौन से वो मंत्र हैं।
जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पिछले 15-20 साल से, तो उनको पता है कि मैंने कौन कौन से मंत्र दिए हैं जो एक बार में ही काम कर जाते हैं। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप इस मंत्र को कीजिए ये इतना असर करेगा, आप इसको कीजिए इतना असर करेगा। आपको मिक्स्ड मंत्र मिलेंगे और उसके अंदर कुछ ऐसे मंत्र भी होंगे जो कि लाखों में एक होंगे। तो आज का जो ये मेरा मंत्र है ये लाखों में एक है, इसको कर देने से आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी आपका जो है दिल में कोई ख्वाहिश हो जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और अधिकतर इसको जो है कोई आपका साथी रूठ कर चला गया हो, कोई प्रेम संबंध हो, उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने देखा है कि रातों रात असर करने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र की विधि भी बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सात्विक हो जाइए। सात्विक का अर्थ है तन मन और आपके शरीर से बिल्कुल आपको सात्विक हो जाना है। अगर आपकी जीभ कहती है कि मुझे मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, तो वहां पर ध्यान मत दीजिएगा, इन चीजों से परहेज करिएगा। आप बिल्कुल सात्विक रहिए, सादा भोजन कीजिए, दाल चावल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, और उसके बाद जब आप एकाग्रचित होना सीख जाएं, उस समय पर आप इस यंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि लाल वस्त्र पहनकर पूर्वमुखी होकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने नीचे ऊनी आसन या फिर मृग चर्म, जो कि आज मिलना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जिसके पास हो, कहते हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, और यंत्र मंत्र तंत्रों को अगर बेहद जानना हो तो जो मृग चर्म होती है वो बहुत ही विशिष्ट होती है, वो अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं यहाँ पर। अगर उस पर बैठकर तंत्र किए जाएँ तो वो बहुत जल्दी फलित होते हैं। तो खैर, जिसके पास हो वो करे, जिसके पास ना हो वो ना करे। इसका एक सब्स्टिट्यूट है, आप एक ऊनी कंबल बिछा सकते हैं अपने नीचे लाल रंग का, और फिर उस पर बैठकर ये तंत्र करें। पूर्वमुखी हो जाइए और आधे घंटे के लिए पहले आपको ध्यान लगाना है। ये ध्यान इसलिए है ताकि जब आप वो मंत्र करें तो आपका जो दिमाग है वो शांत रहे। आपको एक हफ्ते दो हफ्ते तक बैठने का अभ्यास करना है, एक घंटा दो घंटा आपको ब्रह्म मुहूर्त में बैठना है। ये पहले सीखिए कि आप बैठ सकते हैं या नहीं, एक घंटे या दो घंटे तक। जब आप बैठना सीख जाएं तो उसके बाद आपको ये प्रयोग करना है। क्लीन की लगभग तीन माला आपको ब्रह्म मुहूर्त में कर देनी है, सिर्फ क्लीन मंत्र, क्लीन। इससे आपका शुक्र ठीक होगा, आपके रिश्तों में सुधार होगा, और जहां पर भी किसी भी तरह की आपको कमी दिख रही होगी वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले एक हफ्ते दो हफ्ते आपको एक घंटे दो घंटे बैठने का प्रयास करना होगा। आपका जब मन विचलित हो, कहीं यहाँ से उठकर कहीं और जाए, बार बार वो जा रहा हो, लेकिन उसको आपको एक जगह पर लेकर आना है। जब आप ये स्थिरता पा लें उसके बाद आपको इसका जाप करना है। क्लीम मंत्र का जाप कीजिए और इसके बाद आपको मिलेगा एक आकर्षण का ऐसा तेज जो कि किसी को भी आपके वशीभूत कर देगा। तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र का जाप कीजिएगा, और जो भी आपकी अभिलाषा हो, किसी इच्छित व्यक्ति को अपने पास बुलाना हो, या फिर किसी भी तरह का मनमुटाव किसी के साथ हो गया हो, कोई बैरी पैदा हो गया हो, बस इस प्रयोग को आपको ब्रह्म मुहूर्त में कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा घटित होता है जो कि आम आदमी समझ भी नहीं सकता, ये मानव की समझ से परे है। बस आप आंख मूंद कर ये प्रयोग कीजिए और उसके बाद देखिए किस तरह से ये जो प्रकृति है अपने आप में बदलाव करती है आपके लिए। कुछ ऐसा घटित होता है जो कि आपके फेवर में होगा, जो आप चाहते हैं सिर्फ वही होगा। आपकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ विशिष्ट शक्तियां जो हैं वो धरा पर अवतरित होंगी, और वो ना दिन देखेंगी ना रात, बस आपकी सेवा में लग जाएंगी। अगर कोई बैरी है जो आपकी निंदा करता है तो समझिए उसकी नींद हराम हो जाएगी। कोई बैरी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो यूँ समझिए वो सोचेगा बाद में, पहला उस
पहले जो है उसका अनिष्ट हो जाएगा। आपके साथ कुछ ऐसा चलेगा जो कि लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसे फील कर पाएंगे कि आपके पास कोई ऐसा कवच आ गया है कि जहां आप जा रहे हैं वहां पर वो आपके फेवर में काम कर रहा है। यदि ट्रैफिक में आप फंस गए हैं तो वहां से वो आपको निकाल लाएगा। मेरा यकीन मानिए, एक बार इसको करके देखिए और उसके बाद जहां जहां आप जाएंगे उससे पहले वो चीज़ वहां पहुंच जाएगी और आपके काम बनाने शुरू कर देगी। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। यदि कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, या फिर आप इसकी पूरी डिटेल चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9982861625 पर। धन्यवाद।